हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसमें ऊन बहुत कम लगेगा और ये बहुत कम टाइम में बनेगा। देखिए कितना खूबसूरत सा ये तोरण। इसे मैंने दो कलर ऊन में बना रखा है। बस देखिए इतने से ऊन में ये तोरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से कुछ ऊन बच भी जाएगा। इसके लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ किया है वो 1.20 mm का है। तो सबसे पहले हम तोरण का पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, फिर यहाँ पे चैन बनाएंगे। टोटल 21 चैन बनाएंगे। 21 चैन बनाया यहाँ पे टोटल। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और जो 21 वाला चैन है वहां से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले बना लिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हम यहाँ पे जितने भी हमने चैन बनाया था उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे टोटल 21 डबल क्रोशिया था और हमने स्टार्टिंग में 3 चैन वाला लिया था, तो इसके ऊपर हम टोटल 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 22 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 चैन बनाएंगे और इसको हम टर्न कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन वाले को मिला के ये 2 हो गया। फिर इसके नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे 3, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे एक और बनाएंगे 4, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे ये 5, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे 6 और फिर इसके नेक्स्ट वाले पे 7। हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया एक एक चैन में, ये देखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चैन बनाएंगे 1, 2, 3 तीन चैन बनाए, 4 चैन बनाएंगे, एक डबल ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पे 3 चैन छोड़ के चौथे वाले चैन में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लेना है। हमें धागे को 2 बार लपेटना है क्रोशिया में, फिर 3 चैन छोड़ के चौथे वाले चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हम क्रोशिया में छोड़ देंगे, फिर सेम एक वैसा और बनाएंगे, फिर सेम एक वैसा और बनाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास क्रोशिया में टोटल 4 धागा है। अब हम इन चारों को एक साथ बना लेंगे, फिर यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 चैन छोड़ के चौथे वाले चैन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 हमने शुरू में भी बनाया था, 7 इस साइड भी बनेगा। ये हमारा सेकेंड लाइन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम इस पे पहले तीन चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब टर्न कर लिया, टर्न करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डबल नेक्स्ट वाला चैन है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ये एक बना लिया और एक चैन वाला 2 हो गया, फिर एक और बनाएंगे 3 और फिर एक और बनाएंगे 4। 4 डबल क्रोशिया बनाया हमने 4 चैन के ऊपर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 4 चैन बनाना है, एक ट्रिपल क्रोशिया लेना है और यहाँ पे जो लास्ट वाला था वहां से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 2 बार बनाना है। एक बार क्रोशिया में छोड़ना है, फिर एक और वैसे सेम बनाएंगे, इसको भी 2 बार क्रोशिया में बनाए, 2 बार को पूरा बनाएंगे, एक बार क्रोशिया में छोड़ देंगे, फिर एक ऐसा और बनाएंगे। अब इन चारों को एक साथ बना के यहाँ पे बांध लेंगे और फिर जो हमने यहाँ पे बनाया था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे। जहाँ पे नीचे वाले लाइन में हमने ये फ्लावर बनाया था वहाँ पे, ये देखिए ज्वाइंट कर लिया। अब इसके बाद फिर से हम 4 चैन बनाएंगे,
और जहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया था उसके ऊपर से हम फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार बनाएंगे और एक बार धागे को क्रोशिया में छोड़ देंगे, फिर एक और सेम वैसा ही बनाएंगे, फिर एक और वैसा ही बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमारे पास क्रोशिया में चार धागा है, इन चारों को एक साथ बना लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले एक चैन से बांध लेंगे और इसके बाद यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन छोड़ के चौथे वाले चैन पे, यहाँ पे तीन चैन छोड़ के चौथे वाले चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन पे बनाएंगे, ये दो हो गए, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन पे बनाएंगे, तीन हो गए, और फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन पे एक बनाएंगे, चार हो गए, चार इस साइड भी हो गए, चार उस साइड भी। अब देखिए ये हमारा ये इतना कम्प्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और इन चार डबल क्रोशिया के ऊपर हम पहले चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये चैन वाला हो गया और एक ये, दो हो गए, तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे छह चैन बनाएंगे, छह चैन बना के और यहाँ पे जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था बीच में वहां पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे, फिर से छह चैन बनाएंगे, छह चैन बना के और फिर अब इसके बाद जो ये चार डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हम फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, ये चार बना लिया। ये हमारा ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फिर से तीन चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और हम सबसे पहले इन चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार बना लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें दो और बनाना है। अब जो हमारे पास ये चैन दिख रहा है ना उसमें से पहले एक बनाएंगे, पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये छह हो गया हमारे पास। हमने यहाँ पे चैन में भी बनाया, अब एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और जो यहाँ पे हमें होल दिख रहा है जहाँ पे हमने सब ज्वाइंट किया था बीच में वहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, एक बार धागे को छोड़ लेंगे क्रोशिया में, फिर एक और बनाएंगे, फिर इसमें भी एक क्रोशिया में छोड़ देंगे, फिर एक और बनाएंगे और फिर इसमें भी एक क्रोशिया में छोड़ देंगे और जब ये बन जाएगा तब यहाँ पे सबको एक साथ बना लेंगे। ये देखिए सबको बना लिया। अब इसके बाद फिर से हम तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो चैन वाला है वहां पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके बाद जो बाकी ये चार डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, चार, ये चार बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए हमारा ये एक जो फ्लावर का एक बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, तीन चैन बनाना है, इसको टर्न करना है और जब हमने सारे चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने नीचे जो डबल क्रोशिया बनाया था उस पर टोटल 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया बना था। यहाँ पे भी हम जब सारे चैन से बनाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट में बचे बनेगा वो 22 डबल क्रोशिया बनेगा। तो अब मैं ये पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा बॉक्स कम्प्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें सेम डिजाइन को रिपीट करना है, बस ऐसे ही हमें पूरा तोरण पट्टी बनाना है। बहुत ही आसान है, आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा तोरण पट्टी कंप्लीट कर लिया और जो इसके नीचे का मुझे बनाना था वो मैंने ये यहाँ तक बना लिया। लास्ट में एक फ्लावर बचा हुआ है, यहाँ पे बताऊंगी आपको कि ये कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। यहाँ पे टोटल जो ये बॉक्स है फ्लावर वाले वो टोटल 13 बॉक्स है और ये जो फ्लावर है वो
एक फ्लावर में 13 लाइन लगी हुई है, एक बीच में स्किप किया हुआ है और फिर वैसे छोड़ के और फिर वैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें एक यहाँ पे पूरा फ्लावर कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन को स्किप कर देंगे क्योंकि हमने हर एक फ्लावर के बीच में एक लाइन स्किप किया है। अब स्किप करके यहाँ पे दूसरे वाले लाइन में इसको ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, कर लिया ज्वाइंट। तीन चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक चैन वाला, दो और एक ये तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद दो चैन बनाएंगे, फिर सेम जगह पे फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये चार बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 14 चैन बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, 14 चैन बनाना है। और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पांच लाइन छोड़ के छठे वाले लाइन में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेना है, कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद फिर से हमें 14 चैन बनाना है। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना और बनाने में भी बहुत कम टाइम लगेगा, एक फ्लावर 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो इस तोरण को एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये 14 चैन बना के फिर जो हमने बीच में दो चैन बनाया था वहाँ पे हम पहले चार डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके ऊपर, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये चार बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक चैन बना के इसको टर्न करना है, कर लिया टर्न। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चैन दिख रहा है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए धागे को बीच में लेके जाएंगे, एक दो, दो में बनाया और फिर लास्ट में यहाँ पे चैन वाले पे बनाया एक, फिर इसके बाद तीन चैन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वाले को मिला के चार हो जाएगा ये, एक दो तीन चार, चार बना लिया। अब इसके बाद दो चैन बनाएंगे और फिर सेम जगह से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार बना लिया। अब इसके बाद फिर से 14 चैन बनाएंगे, 14 चैन बना लिया। 14 चैन बना के फिर से जहाँ पे हमने ये ज्वाइंट किया था सेम उसी जगह पे फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद फिर से हम 14 चैन बनाएंगे। हमें हर एक लाइन में 14-14 चैन बनाना है दोनों साइड से, और जो यहाँ पे बन रहे हैं वो चार डबल क्रोशिया एक साइड, फिर दो चैन और फिर चार डबल क्रोशिया। तो ये हमने 14 चैन बना लिया। अब इसके बीच में हम फिर बनाएंगे यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले बना लिया। अब इसके बाद दो चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये बना लिया। अब इसके बाद फिर से हमें एक चैन बना के इसको टर्न कर लेंगे और सेम यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। हम पहले धागे को बीच में लेके आएंगे और फिर यहाँ पे पहले तीन चैन बनाएंगे, फिर इसके बाद तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर चार डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें इस पूरे फ्लावर को कंप्लीट करना है। यहाँ पे टोटल 16 है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16 16 लाइन ऐसे बनी हुई है। तो मैं पूरा ये 16 लाइन बना के दिखाती हूँ, जो हमें हर एक वाले में बीच में ही ये जो ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया से वो करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 15 बना लिया, 16 वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक साइड वाला कंप्लीट कर लेना है, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद एक चैन बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो पट्टी है उसमें अटैच करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से भी पांच लाइन छोड़ के छठे वाले लाइन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद इसमें जो चार और हमें डबल क्रोशिया बनाना था वो दूसरे साइड बना लेंगे, चार डबल क्रोशिया यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार ये बना लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से धागा को बांध के और कट कर लेंगे। हमारा तोरण कंप्लीट हो गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
और कितना आसान भी था इसे बनाना, बहुत कम टाइम लगेगा इसे बनाने में। आई होप आपको ये तोरण बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और नए नए डिजाइन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप चाहें तो यहाँ पे झालर भी लगा सकते हैं। थैंक यू।